Hello students, good afternoon. I hope you all are good and all might have seen my last video. We have started our chapter number 12, our shelter, and today we are going to continue that chapter from page number 71. So be ready everyone with your textbook. And before I start with my video, I want everybody to read the chapter properly. Okay, so you will able to learn the chapter more clearly. Chalo, now houses in villages. Now we are going to talk about the different houses which are there in the villages nowadays. Aajkal villages mein kis tarah ke houses hote hain? Pehle to hume pata hai ki purane zamane mein villages mein hamesha kaccha houses hote the jo straw leaves wood se bante the. Lekin aaj abhi kaise houses hote hain villages mein? Villages with farmlands and field all around are called rural area. जो एरिया में ज्यादातर फील्ड और फार्म्स होते हैं, चार आजू बाजू बड़े बड़े घर बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं होती, फार्म्स होते हैं, खेतर होते हैं, जमीन होती है, उसको हम रूलर एरिया कहते हैं. उसको हम विलेज, ऐसे विलेजेस को हम रूलर एरियाज कहते हैं. तो रूलर एरिया मतलब विलेजेस का एरिया और अर्बन एरियाज मतलब सिटीज का एरिया. In rural areas, we find huts made of mud, clay, and bamboo with thatched roof of hay. Sometimes they are made of unbaked bricks and have thatched roof. हर एक विलेज में different different types के houses होते हैं. कई villages में कच्चे houses होते हैं जो mud, clay, and bamboo से बने होते हैं. कई ऐसे villages होते हैं जिसमें जो houses होते हैं ना वो bricks से बनते हैं. लेकिन अनबेक्ड मतलब जो ब्रिक्स ऐसी होती है जो बेक नहीं की होती है, ऐसी जो कच्ची ईट कहते हैं उससे हाउसेस बने होते हैं. हाउएवर नाउडेज मेनी विलेजेस हैव पक्का हाउसेस. दिस हाउसेस आर मोस्टली सिंगल स्टोरी हाउसेस एंड आर मेड अप ऑफ बोथ बेक्ड एंड अनबेक्ड ब्रिक्स सीमेंट और स्टोन्स. लेकिन आजकल विलेजेस में कैसे पक्का हाउसेस बन गए हैं, सिंगल स्टोरी हाउसेस. सिंगल स्टोरी हाउसेस मतलब सिर्फ नीचे का होता है, ऊपर छत होती है, ऊपर टेरेस होती है और नीचे घर होता है, फिर सेकंड फ्लोर नहीं होता. उस तरह के हाउसेस आजकल हमें विलेजेस में देखने को मिलते हैं जो ज्यादातर पक्का होते हैं, जो सीमेंट ब्रिक्स से. ब्रिक्स कैसी होती है, अनबेक्ड भी होती है और बेक्ड भी होती है, साथ में सीमेंट स्टोन उन सबसे बन मिला के आजकल के हाउसेस विलेजेस में बनने लगे हैं. रूलर हाउसेस में नॉट ऑलवेज हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम्स एंड प्रॉपर सैनिटरी कंडीशन. पर रूलर एरियाज में एक प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि उनके घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड सैनिटेशन सिस्टम नहीं होती. सैनिटेशन मतलब प्रॉपर बाथरूम एंड टॉयलेट्स नहीं होते हैं, और ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो भी हमारा बाथरूम का टॉयलेट का गंदा पानी जो छाने की सिस्टम होती है ना, गटर सिस्टम, उसको हम ड्रेनेज कहते हैं. तो रूलर एरिया में ज्यादातर गटर सिस्टम अच्छी नहीं होती. ज्यादा आपने देखा होगा तो ओपन गटर होती होगी. कई ऐसे घर होते हैं जिसके अंदर बाथरूम्स होते भी नहीं है, उनको बाहर जाना पड़ता है टॉयलेट्स के लिए. तो रूलर एरिया में ये सारे प्रॉब्लम्स हमेशा रहते हैं. इन मेनी बैकवर्ड रूलर एरियाज द हाउसेस नो मे नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी टू. हाउएवर विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन द पीपल ऑफ विलेजेस हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन. Steps are now being taken by the state government to improve sanitation and to provide electricity to the backward areas. आज भी बेटा इंडिया में ऐसे बैकवर्ड एकदम इतने पुराने टाइप के विलेजेस है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, वहां पे ट्यूबलाइट्स फैंस होते ही नहीं है, और सैनिटेशन सिस्टम्स बाथरूम टॉयलेट की सिस्टम्स भी नहीं होती. बाहर ओपन में वो लोग बाथरूम टॉयलेट में जाते हैं. लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, अब विलेज के पीपल भी, विलेज के बच्चे भी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, बाहर स्टडी करने के जा रहे हैं, तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है उन लोगों को पता चल रहा है कि बाथरूम और टॉयलेट्स हमारे घर में होना कितना कितना इम्पोर्टेंट है, और प्रॉपर सैनिटेशन मतलब ये सारी चीजें, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होने कितनी जरूरी है. तो अब तो स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो भी स्टेप्स ले रही है, और विलेज के पीपल भी अब ये बात मानने लगे हैं कि घर में ही बाथरूम टॉयलेट्स होने चाहिए. आप लोगों को ये बस मतलब हम तो सिटीज में रहते हैं ना, तो हमें ये सोच के बहुत अजीब लगता है कि घर में बाथरूम टॉयलेट नहीं हो,
हाँ, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे विलेजेस आज भी मौजूद है कि जहाँ पे घर में टॉयलेट्स नहीं है। टॉयलेट्स के लिए उन लोगों को खेत में बाहर जाना पड़ता है, प्रॉपर टैप नहीं होते, बाल्टीन भर के वो लोग पानी रखते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता, बाथरूम टॉयलेट्स का क्लीनिंग नहीं होता, गंदगी रहती है, तो इससे क्या होता है, बीमारियां ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो आज भी, लेकिन अब धीरे 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 बदलाव आ रहे हैं, और बहुत जल्द शायद ऐसा होगा कि हमारे इंडिया के पूरे जितने भी विलेज हैं वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन एंड प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ओके, नाउ हाउसेस इन टाउन्स एंड सिटीज। अब हाउसेस, ये तो हमने रूरल एरिया में की बात की कि वहां पे हाउसेस कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज मतलब सिटीज एंड टाउन्स में हाउसेस कैसे होते हैं। टाउन्स एंड सिटीज आर नोन एज अर्बन एरियाज। हाउसेस बिल्ड हियर आर मोस्टली परमानेंट और पक्का हाउसेस विच आर डिजाइन बाय आर्किटेक्ट्स। जो सिटीज एंड टाउन्स होते हैं उसको हम अर्बन एरियाज कहते हैं, और मोस्टली अर्बन एरियाज में जो भी सिटीज और टाउन्स होते हैं वहां पे कैसे हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं, पक्का हाउसेस, जो ज्यादातर किसने बनाए होते हैं, आर्किटेक्ट्स ने बनाए होते हैं। डोर्स एंड विंडोज ऑफ सच हाउसेस हैव स्ट्रॉन्ग वॉल्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस। दे आर बिल्ट बाय द टीम ऑफ मेसन एंड लेबरर्स। हमारे जो पक्का हाउसेस होते हैं उनके डोर्स एंड विंडोज भी वॉल्स से बंधे हुए होते हैं और एकदम फिक्स्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो भी पक्का हाउसेस बनाते हैं वो कौन बनाता है, एक पूरी टीम होती है, मैसन एंड लेबर्स। मैसन मतलब कड़िया, और उसके साथ जो मजदूर आते हैं ना वो सब मिलके पक्का हाउस को बनाते हैं। इन अर्बन एरियाज द हाउसेज आर बिल्ट विथ प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशन, अ गुड ड्रेनेज सिस्टम एंड विथ गुड वेंटिलेशन। हाउसेज टूडे आर फिटेड विथ कम्प्लीट इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग एंड गुड सिक्योरिटी सिस्टम। अर्बन एरियाज में जो भी सिटीज एंड टाउन्स होती है ना, उसके घर में, उनके घर में प्रॉपर सैनिटेशन होती है, मतलब प्रॉपर बाथरूम, प्रॉपर टॉयलेट्स, और बाथरूम टॉयलेट्स के पानी, वो जो गंदा पानी उसमें से निकलता है उसके लिए प्रॉपर